अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से वंचित न रहें। तो आज की गेम प्ले में हम जाने वाले हैं थर्ड हिल, मतलब थर्ड हिल पहुँच गया था और कूद भी गया था। यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट गन मिलती है और जिसको भी ये लग रहा है कि यहाँ पर बंदे नहीं आने वाले तो उसकी गलत फहमी है, बंदे आने वाले वो भी एस्ट्रल के लेके। मैं इधर की तरफ आता हूँ, मुझे पता था कि उस तरफ बंदे हैं तो मुझे एक यूजी मिलती है और आप मेरी वेस्ट वेस्ट देख सकते हो। मैं जब इस घर में आता हूँ ना तो मेरा जो एक टीममेट होता है उसको एक एस्ट्रल के वाला बंदा धर लेता है। अब ऐसे में मैं दौड़ के जा भी नहीं सकता था क्योंकि मेरी वेस्ट और हेलमेट पर नज़र डाल दो आप, है भी नहीं, जीरो तो क्या है ही नहीं। अब पीछे से एक बंदा होता है जो मुझे डैमेज दे रहा होता है, जो इस घर के आते होता है, जिसका तेज आई कि उसको उसका हेलमेट दिख गया होगा। बट मैं डबल माइंडेड नहीं होना चाहता था और मुझे जो मैं जो ये होता है ना एस्ट्रल के वाला बंदा उसका किल चाहिए होता है। तो यहाँ पे और बंदे दिखते हैं मुझे, तो एक नॉक होता है और ये होता है तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, फिनिश मतलब देखा ना। और यहाँ पे एक किल चोरी और करता हूँ जो अलग से, और इसी के साथ मेरे हो जाते हैं यहाँ पे दो किल हो जाते हैं। और यहाँ पे मुझे बॉट बहुत तंग कर रहे थे और ये ऐसी सिचुएशन थी ना कि मेरे पास एक तो एमओ नहीं थी और थोड़े बहुत कुछ थे तो ये बॉट हेल्थ ख़त्म कर रहे थे और हेल्थ भी नहीं थी, तो भी मैं अपने टीममेट की मदद करने के लिए आगे की तरफ जाता हूँ। और आगे की तरफ जाता हूँ तो यहाँ से मुझे आते हैं फुट स्टेप और मैं क्या डायरेक्ट रश नहीं करना चाहता था क्योंकि एस्ट्रॉल के वाला बंदा हो सकता था ये, मगर होता नहीं है ऐसा मैंने सुना था। ये फुट स्टेप आप ऑब्जर्व कर लेना बाद में उसके लिए। अब मैं अंदर की तरफ जाता हूँ एक बार ये चेक करने के लिए कि बंदा अगर लपेटे में आ जाए तो आ जाए। और यहाँ पे 30 एमओ थी और हेलमेट और वेस्ट तो ना के बराबर था, वो छोड़ो, और मेरे पास हीलिंग भी नहीं थी। तो यहाँ से मैं एक एमओ उठाता हूँ और मेरी फट जाती है तो मैं बाहर की तरफ भागता हूँ, और जैसे ही बाहर की तरफ भागता हूँ तो ये बोर्ड आ जाता है यहाँ पर सामने, और इस बोर्ड को मैं मार के फिनिश करके जल्दी से उसको फिनिश कर देता हूँ क्योंकि किल तो सिक्योर करना बनता है ना भाई लोगों। यार मैं टीममेट से तक मेरा किल सिक्योर कर लेता है और मैं यहाँ से कल्टी हो जाता हूँ। और अब जो फुट स्टेप आ रहा था ना वो ऑब्जर्व करना, हमारा एक और टीममेट आ चुका होता है यहाँ पे हमारे साथ देने के लिए और वो इस बंदे के पीछे पड़ जाता है और ये मारा जाता है हमारे हाथों से। अब इसको पूरा फिनिश करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सामने की तरफ मेरे टीममेट्स की फ़ाइट हो जाती है एक बंदे से और आपको बंदा दिख जाएगा। मैं पहले ही नेट कुक करता हूँ और नेट हाँ अच्छा छूट ही गया, मतलब पाला की नश है। अब इसका फोकस मेरे तरफ होता है और मैं सामने की तरफ मेरा एक टीममेट होता है वो इसका फिनिश कर देता है और जैसे भी इसको नॉक करते ना बस तुम यहाँ पे देखना मतलब क्या ही सीन होता है यार। मतलब एक लेवल का हेलमेट तो आ चुका था मेरे पास अब, बट जो सीन होगा ना वो देखना तुम। ये मेरे हेड के हेड मार देता है और इसको मेरा टीममेट संभाल लेता है और साइड में इसका एक टीममेट होता है उसको भी संभाल के हम आ जाते हैं यहाँ पे। आपको पहाड़ी के ऊपर दिख गई होगी एक कार, मतलब मिराडो कहते हैं जिसको हमारी भाषा में, और ये जो दोनों घर होते हैं ना यहाँ पे भी बंदे होते हैं। बस आपको बताऊंगा मुझे कैसे पता चला जादू घर, मतलब एस्टिमेशन नहीं लगा रखा है भाई, मतलब एस्टिमेशन है बट वो कुछ चायरों फायरों नहीं लगा रखा मैंने। अब ये जो बंदे होते हैं ना पीछे घर वाले वो हमको शॉट देते हैं, मतलब मैं बाहर खिड़की से हवाएं ले रहा था तब तक मुझे शॉट पड़ती है, पीछे आपको बंदा दिख गया होगा उस घर पर। एंड यहाँ पे आते हैं और जैसे ही मुझे पता था कि इधर ड्रॉप गिरने वाला तो यहाँ पे बंदे तो ज़रूर होंगे। बट जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं हमारा टीममेट आगे की तरफ उछल उछल के जाता है तो उसको एक ओम पड़ती है, और मतलब अभी तक ड्रॉप भी नहीं गिरा था, ओम कहाँ से आ गई भाई। और ये शांति से पीछे की तरफ आ जाता है और मुझे पता था कि ये सामने जो बंदा ना इसके पास ओम हो सकती है, तो मैंने इसके एक हल्का सा लेके फिर वापस पीछे की तरफ आ जाता हूँ और स्मोक कर लेता हूँ यहाँ पे और जल्दी से टीममेट को रिवाइव कर देते हैं और इस तरफ आते हैं। जल्दी से मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ और मेरा जो टीममेट होता है ना वो नीचे जो ड्रॉप गिर चुका होता है वो ओम लेके आता है ओम वर्सेस ओम वर्स ओम करने के लिए, और मैं इसको जल्दी से रिवाइव करके साइड में जाता हूँ। और मुझे लगा था कि वो बंदे रश करेंगे बट ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ बम बम फेंक रहे होता है, मतलब थ्रो अवेलेबल फेंक रहे होता है। अब जो मेरा जो टीममेट होता है ना वो ओम लेके आ चुका था और यहाँ इनका एक बंदा होता है जो सर दिखाता है और मेरा जो टीममेट होता है वो अलग होता है, और अब बहुत देर हो गई थी कि इनका किस्सा ख़त्म करने का वक्त आ गया था। तो मैं जल्दी से एस्ट्रल के उठाता हूँ अपने हाथ में, मतलब एस्ट्रल के होती है मेरे पास, तो हाथ में उठाता हूँ और आगे की तरफ पुश करता हूँ
और बट तब तक ये बंदा रिवाइव हो चुका होता है, और लेकिन रिवाइव होके भी क्या उखाड़ लेगा। मैंने देखा कि पीछे से होके दूंगा इसको हवा भी नहीं लगेगी, और ये रिवाइव होके कुछ नहीं उखाड़ पाता। और मैं इसके शॉट देता हूँ और ये दोनों मारे जाते हैं मेरे, और जो लास्ट वाला बंदा था वो नीचे होता है पहाड़ी की तरफ, तो वो मर जाता है खुद ही।